जिन लोगों ने लेबराडोर रखा है, मैं लेबराडोर ओनर के लिए ये बता रहा हूँ कि कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लेबराडोर एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, जबकि लेबराडोर वर्ल्ड के बेस्ट फैमिली डॉग हैं। ठीक है, फैमिली कंपेनियन अच्छे हैं, फ्रेंडली डॉग है, एग्रेसिव नहीं होते। तो एग्रेसिव होने का क्या कारण है, तो इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि लेबराडोर आज के टाइम में एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि यदि आप डॉग की डिवॉर्मिंग परफेक्ट नहीं करवाते और उसको ज्यादातर बांध के रखते हो, लोगों से सोशल नहीं करते, तो लेबराडोर एग्रेसिव हो जाएगा। लेबराडोर ही नहीं, कोई भी डॉग होगा, ठीक है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो पग हो, वो भी एग्रेसिव हो जाता है। तो डॉग की डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम कीजिए, उसको थोड़ा सोशलाइज कीजिए, बांध के मत रखिए, खुला रखिए। ये तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो लोग कर देते हैं गलती से, ठीक है, बांध के रखना। लेकिन ज्यादातर केसेस में लेबराडोर खुले भी रहते हैं, फिर भी एग्रेसिव हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका सिंपल सा कारण यह है कि आज के टाइम में जो लेबराडोर की ब्रीडिंग है वो इस हिसाब से हो रही है, मार्केट डिमांड के हिसाब से हो रही है, कि लेबराडोर के जेनेटिक्स ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो इतनी ज्यादा ओवर ब्रीडिंग हो रही है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं, फिर बच्चा वीक आता है, तो बच्चा वीक आएगा तो नॉर्मली चिड़चिड़ा रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात है, मार्केट डिमांड ऐसी चल रही है कि लोगों को रिंकल्स वाले लेबराडोर चाहिए। ठीक है, मेरे को खुद को ताज्जुब होता है कि लोग ऐसा सोच भी कैसे कर सकते हैं कि लेबराडोर के फेस पे मैस्टिफ टाइप से रिंकल होंगे। अब आप इस तरीके की डिमांड करोगे तो लोगों, जो ब्रीडर हैं लेबराडोर के या जो भी लेबराडोर पे काम कर रहे हैं, उन लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे मैस्टिफ टाइप के डॉग से क्रॉस करवाना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके वो रिंकल आएंगे। या जो ऐसा लेबराडोर जो अनहेल्दी है उससे ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो रिंकल वाले फेस वाला लेबराडोर आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें होने के कारण लेबराडोर का जो नेचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। यदि आप एक परफेक्ट लेबराडोर देते हो, ठीक है, जिसका मजल एकदम परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम पंच फेस हो गया, रिंकल्स निकल रहे हैं, बहुत मोटा बच्चा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेबराडोर का जो एक परफेक्ट लुक है, आप उसमें यदि लेबराडोर रखोगे तो वो 99% चांस है कि एग्रेसिव नहीं बनेगा। 1% इसलिए बन सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है उसको ग्रूम करने में, उसको रखने में। ठीक है, इसलिए आप पहले ये देखो कि ऐसा नहीं है शौक शौक में किसी के पास अच्छा बहुत ही तगड़ा लेबराडोर है तो आप उसको दे के आप डिमांड करने लग जाओ कि हमें रिंकल वाला लेबराडोर चाहिए, पंच फेस लेबराडोर चाहिए, क्योंकि वो एक लेबराडोर है, कोई मैस्टिव डॉग नहीं है जो आप उससे कंपेयर करके वो लेना चाहते हो। जिस डॉग का परफेक्ट लुक है आप उसी डॉग को लीजिए। आप पहले पूरे रिसर्च कीजिए कौन सा डॉग कैसा दिखता है, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं अलग 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 अलग, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके लिए परफेक्ट डॉग कौन सा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होता है तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है आप उनसे एडवाइस लीजिए, एक से नहीं लेनी, सबसे लीजिए। सबसे एडवाइस लोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि एक तो कोई भी कुछ भी बोल के आपको बेवकूफ़ बना देगा। यदि आप सब जगह एडवाइस लोगे, गूगल पे भी चेक करोगे, आप अपने नियर बाई लोगों से पूछोगे जो पेट शॉप ओनर हैं, ब्रीडर हैं, तो आपको नॉलेज मिलेगी आपको किस तरीके का डॉग रखना है। कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे भी ये कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का डॉग रखना है, किस तरीके का डॉग रखना चाहिए।